हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम डिग्री से रिलेटेड एक बार फिर से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर आप 2023 के ग्रेजुएट हो, 22 के ग्रेजुएट हो, 21 के ग्रेजुएट हो या इवन उससे पहले के भी ग्रेजुएट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एसओएल से ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम 2023 वाले बच्चों से बात करते हैं जिनकी ग्रेजुएशन 2023 के साल में कम्प्लीट हुई है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका एडमिशन 2020 का था, 19 का था, कभी कभी था। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है 2023 में, तो आपको जो डिग्री है वो कॉन्वोकेशन के बाद ही इशू होगी। कॉन्वोकेशन इस साल का फरवरी के लास्ट सैटरडे में होगा, उसके बाद ही डिग्री आना आप लोगों की शुरू होगी। कॉन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं करा जाता। जब कॉन्वोकेशन हो जाता है उसके सेम डे डिजिटल डिग्री इशू कर दी जाती है। अब आपकी मर्जी है डिजिटल डिग्री लो या ना लो, और उसके कुछ महीनों के बाद जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री है वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। अभी 2023 वाले बच्चों से एक और इम्पोर्टेंट बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम 2022, 21 और उससे पहले वाले बैच की बात करते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ था, 21 में हुआ था या उससे पहले हुआ था, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एसओएल के नॉर्थ कैंपस चले जाओ अगर आपको डिग्री अभी तक भी रिसीव नहीं हुई है। आप नॉर्थ कैंपस अपनी मार्कशीट की हार्ड कॉपी और आधार कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर जाइएगा। ओरिजिनल भी ले जाइएगा, आधार कार्ड और फोटोकॉपी भी चल जाएगी। और इसके अलावा एक नो ड्यू सर्टिफिकेट लगेगा, और ये नो ड्यू सर्टिफिकेट आप लोगों को एसओएल कैंपस से ही मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो अलग से निकाल कर जा सकते हो घर से, लेकिन वहाँ जाकर भी आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ आप जाओगे डॉक्यूमेंट्स लेकर, आपसे कुछ फॉर्म वगैरह भरवाया जाएगा, उसको सबमिट करवाया जाएगा, फिर आपको 15-20 मिनट का इंतजार करने को बोला जाएगा, देन वो आपको डिग्री प्रोवाइड कर देंगे। अब कौन से रूम में जाना है ये तो यार वहीं जाकर पता चलेगा, बट इतना जरूर है कि लाइब्रेरी में तो आपको जाना पड़ेगा नो ड्यू सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ 2022 में जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या उससे पहले उसके लिए है। वो चीज़ ये है कि हो सकता है आप कैंपस जाओ, आपको डिग्री ना मिले, आपसे ये कहा जाए कि आपकी डिग्री हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हुआ था यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बाद में, तो इसलिए हमारे पास अभी आपकी डिग्री नहीं आई। वो लोग आपसे बोलेंगे कि आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उस दिन भी मतलब आप जब भी जाओ डिग्री के लिए मार्कशीट और आधार कार्ड तो लेकर ही जाना। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी डिग्री हमारे पास नहीं है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको वहाँ पे किसी रूम में भेजेंगे, कोई फॉर्म वगैरह भरवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे, देन वो एक टाइम पीरियड देंगे कि भाई इतने टाइम के बाद आप डिग्री आकर ले जाना। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आपका ग्रेजुएशन 2022 से उससे पहले का है तो या तो डिग्री आपके कैंपस में अवेलेबल है, आपको जाकर कलेक्ट करनी होगी, और या फिर डिग्री अगर कैंपस में नहीं है तो आपको वहाँ जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपकी डिग्री कैंपस में अवेलेबल नहीं है, आप घर बैठे रहे, तो वो लोग तो अप्लाई करेंगे नहीं, वो लोग तो डील छोड़ते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वक्त निकाल कर, टाइम निकाल कर एक बार चले जाओ, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर कन्फर्म करके आ जाओ। मेनली उन बच्चों की डिग्री अभी तक इन लोगों ने इशू नहीं करी है जिन्होंने या तो सेकेंड फेज में एग्जाम दिए थे, या रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया था, या एब्सेंट लगाने के बाद अपडेट किया था। उन लोगों के साथ मेनली ये दिक्कत आ सकती है। आप एक बार स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक कीजिएगा, रिजल्ट का सेक्शन चेक कीजिएगा कि वहाँ पर सबसे नीचे कंप्लीट लिखा हुआ है या ER ही शो हो रहा है। मार्कशीट में तो आपका सब क्लियर है, लेकिन स्टूडेंट डैशबोर्ड में एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट डैशबोर्ड में ER लिखा हुआ है वहाँ पर, तो इसका यही मतलब है कि उन लोगों के पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप पास हो चुके हो। तो 2022 या उससे पहले के जो भी ग्रेजुएट्स हैं 21 के 20 के, वो अपना SOL नॉर्थ कैंपस में आधार कार्ड और मार्कशीट की हार्ड कॉपी लेकर विजिट कीजिए। या तो डिग्री मिल जाएगी, या तो टाइम पीरियड दे देंगे, भाई इतने टाइम बाद आकर डिग्री ले जाना। ठीक है, आपकी सहायता के लिए एक ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो उस ईमेल आईडी पर पहले बातचीत कर सकते हो, ईमेल डाल सकते हो। अब जो 2023 ग्रेजुएट के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो समझ लीजिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर करिए कि आपकी सारी डिटेल्स एकदम ठीक हैं, आपकी सारी डिटेल्स एकदम ठीक हैं, कोई गड़बड़ नहीं है किसी भी चीज़ में। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ आपके एसओएल में ठीक है, एनरोलमेंट नंबर, वो सब चीज़ें ठीक हैं। अगर तो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ों में गड़बड़ है, तो आप इसको एसओएल कैंपस जाकर अभी ठीक करवा लीजिए, क्योंकि डिग्री कॉन्वोकेशन के टाइम इशू कर दी जाएगी, प्रिंट होने के लिए चली जाएगी, फिर वो प्रिंट होकर आएगी, फिर उसका प्रोसीजर फॉलो करो कि भाई इसमें करेक्शन करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, फोटोग्राफ में अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि इस साल से जो डिग्री इशू होगी, याद रखिए मैं बोल रहा हूँ, इस साल से जो डिग्री इशू होगी उसकी डिग्री में फोटोग्राफ भी होगा, तो आपको लगता है कि यार फोटोग्राफ मुझे चेंज करवाना है, ये फोटोग्राफ जो मेरा एसओएल में रजिस्टर्ड है वो ठीक नहीं है, उसको मैं चेंज करवाना चाहती हूँ, तो वो आप डिपार्टमेंट जाकर चेंज करवा लीजिए, और ये काम एज सून एज पॉसिबल कर लीजिए, बिकॉज एट द टाइम डिग्री इशू होने के लिए चली गई प्रिंट होने के लिए, तो फिर वो बाद में लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हालांकि लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रोसीजर में 40 से 45 दिन लग जाते हैं,
तो इसलिए मैं आपसे बार बार, मैंने पहले भी वीडियो के थ्रू आपको कहा था कि ये काम करके आ जाओ, तो आप एक बार थोड़ा सा अवेयर हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा सुस्ती दिखाकर ये काम कर लीजिए, सुस्ती दिखाकर ये काम कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और सवाल बच्चों का आ रहा है। अब देखिए, जो बच्चे 2022 तक ग्रेजुएट हैं उनको तो बाई पोस्ट डिग्री आनी थी, जिन जिन बच्चों को वो आ गई, अब जिसको नहीं आई वो तो कैंपस जाके कलेक्ट करेगा। अब जो 2023 में बच्चा ग्रेजुएट होगा उनको डिजिटल डिग्री कन्वोकेशन वाले दिन इशू हो जाएगी, कन्वोकेशन में फिजिकली अलाउड नहीं करा जाएगा। अब वो जो डिजिटल डिग्री है जो कन्वोकेशन वाले दिन इशू होगी उसको लेना मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे लेकिन उसको लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री है उसके लिए कोई भी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री है वो आपको फरवरी में कन्वोकेशन होने के 4 से 5 महीने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगी। अब जो सवाल, जो मेन सवाल बच्चों को आ रहा था कि सर मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, तो क्या उस टाइम पर जो डिग्री इशू होगी वो हमारे घर पर आएगी या हमें वहाँ जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा? देखो जी, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी हम नहीं दे सकते अपनी राय। हो सकता है कुछ डिग्री फेयर दोबारा से ऑर्गेनाइज कर दें वेल मैनर्ड वे में, सो देट आप डिग्री कलेक्ट कर सको, या हो सकता है वो बाय पोस्ट ही भेजें। अगर बाय पोस्ट ही भेजेंगे तो एड्रेस चेंज करवाने का आपके पास टाइम है, अभी बाद में भी आप करवा सकते हो, बट मेक श्योर कि अगर आपका एड्रेस भी अगर चेंज हो गया है तो भाई ये काम भी करवा लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों की डिग्री से रिलेटेड जो बार बार आ रही थी। थैंक यू।